क्वेश्चन नहीं लिखे हैं दोस्तों, सबसे पहले ही मैंने आंसर लिख दिए हैं। यही तो कमाल और अनबिलीवेबल मैजिक है दोस्तों। क्वेश्चन बाद में हम लिखेंगे, आंसर हमने पहले लिख दिए हैं। अच्छा दोस्तों, अभी जो मैजिक होने वाला है बहुत ही कमाल होने वाला है। इस पेन से और पेपर से दोस्तों मैजिक होने वाला है, मैथमेटिक्स का मैजिक है दोस्तों, मैथ का। क्वेश्चंस करूंगा मैं बहुत ही ज़बरदस्त। वीडियो छोटी सी है, लास्ट तक देखना है इस वीडियो को। आंसर में सबसे पहले इस पेपर के ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों। सवाल क्वेश्चन डिफरेंस होंगे, आंसर बिल्कुल सेम होंगे। टू क्वेश्चंस में लिखूंगा आपकी आंखों के सामने, और इसके बाद फिर टू क्वेश्चंस दोस्तों, टोटल चार क्वेश्चन। आप देख सकते हैं आंसर 37 दोनों के मैंने लिख दिए हैं। और मैजिक स्टार्ट करने से पहले आपने किसी से तीन हर्फ कोई से पूछ लेने हैं, मतलब के कोई से भी आपने तीन जो हरूफ होंगे आपने उसके अपने जहन के मुताबिक वो आपको जब बोलेगा आपने लिख लेने हैं। मतलब कि उसने अगर आपको फोर बोला है तो आपने तीन फोर लिख लेने हैं। तीन फोर जब लिखेंगे दोस्तों, फिर क्या करना है, आपने इन तीनों फोरों को ऐड कर देना है आपस में। आप देख सकते हैं जब मैंने इस तरीके को आप ऐड कर देंगे, उसके बाद इसका जो आंसर आएगा 12 आएगा, ठीक है दोस्तों। और ये ज़बरदस्त मैजिक होने वाला है आपकी आंखों के सामने। तो जैसे ही 12 आएगा तो ऊपर जो आपने हिंस लिखे हैं, जो कि उसने बोले थे, उन हिंसों तीनों को दोस्तों आपने इस 12 जो आंसर आया है इसके साथ आपने डिवाइड कर देना है ज़बरदस्त तरीके से। आप जैसे ही डिवाइड करेंगे दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे, वो हैरान हो जाएगा जो भी होगा। 37 आंसर दोस्तों उसका आएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता है, मैं क्वेश्चन को चेंज करके आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन चेंज करने के बाद भी इसका आंसर वही आएगा। अब 88 मैंने लिख दिए हैं आपकी आंखों के सामने दोस्तों। अब 88 को जो है वो सबको मैं करने वाला हूँ आपकी आंखों के सामने प्लस, और इसका जो आंसर आएगा दोस्तों उस आंसर को मैं लिख दूंगा 88 के साथ डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। मतलब कि आप देख सकते हैं जो ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा था 88, उसको मैंने 24 के साथ कर देना है डिवाइड। दोस्तों हैरान हो जाएंगे आपके, इसका भी आंसर 37 ही आएगा। तो दोस्तों अगर यकीन नहीं आता है तो मैं आपको दो क्वेश्चंस और करके बताता हूँ इस मैजिक के अंदर। आप खुद भी करें कैलकुलेट और फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताएं कि वाकई में इसका आंसर क्या आता है। कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर से बताना है क्या क्या आएगा इसका आंसर। तो अभी मैं और आपको करके बताता हूँ दोस्तों। आ गया हूँ मैं पेपर के ऊपर, और मैं आपको दो क्वेश्चन और करके दिखाने वाला हूँ मैथमेटिक्स के। बहुत ही हैरान कन है दोस्तों। 37 मैंने लिख दिया है इस पेपर के नीचे वाली साइड के, जो के आंसर की जगह होती है वहाँ पर। क्वेश्चन नहीं लिखे हैं दोस्तों, सबसे पहले ही मैंने आंसर लिख दिए हैं। यही तो कमाल और अनबिलीवेबल मैजिक है दोस्तों। क्वेश्चन बाद में हम लिखेंगे, आंसर हमने पहले लिख दिए हैं। तो दोस्तों मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं 555, तीन फाइव मैंने लिख लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मैजिक है। अब इन तीनों फाइव को मैं जमा कर दूंगा आपकी आंखों के सामने। आप देख सकते हैं मैं इनको जमा कर रहा हूँ और इक्वल आ जाएंगे ये दोस्तों 15 के। और अभी आप देखेंगे कि हैरान कौन मैजिक होने वाला है। आपने जो 15 लिखा है वो तो क्वेश्चन में 55 तीन फाइव लिखे थे, उनको डिवाइड कर देना है आपने सिंपल से सिंपल। ये जो आंसर आया हमारा 15, इसके साथ डिवाइड कर देना है। दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो 37 इसका आंसर मैंने लिखा था, इसका 37 ही आंसर आएगा। आप खुद भी कैलकुलेट करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि इसका आपके हाथ में क्या आंसर आया है। कमाल मैजिक है। वीडियो को स्किप नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर वीडियो पसंद आई। और दोस्तों के साथ आप ये हैरान कर सकते हैं ये मैजिक दिखाने के बाद। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं जी 777, मतलब कि कोई सा भी आप हिंसा लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं इनको जब मैं आपस में हूँगा तो दोस्तों इनका जो आंसर है वो आएगा 21 आएगा। फिर क्या करूँगा मैं 21 को मैं 777 के साथ डिवाइड करूंगा। आप हैरान रह जाएंगे कि 37 ही इसका आंसर आएगा।